बच्चों, आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे। जल है तो कल है। इसमें जल के बारे में बताया गया है, जल की महत्व के बारे में बताया गया है, जल से हमारे जीवन का क्या संबंध है उसके बारे में बताया गया है। जल यहाँ पीने से संबंध है, जो आप लोग पीते हैं उसके कितने रूप हैं, किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से बचाना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए, ये सब है आज क्वेश्चन जिसका उत्तर आप इस पाठ में पढ़ेंगे। जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में विभिन्न स्थलों पर लोगों द्वारा पानी पिलाने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था को प्याऊ कहा जाता है, जिसमें आने जाने वाले रास्तों पर कहीं कहीं स्वच्छ पानी को घरों में या अन्य बर्तनों में ढक कर रखा जाता है, जहाँ कोई भी प्यासा व्यक्ति आकर अपनी प्यास बुझा सकता है। क्या आपके घर या आसपास ऐसी व्यवस्था है? पूछ रहा है कि क्या आपके घर के आसपास ऐसी कोई व्यवस्था है? क्या आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों, अस्पतालों या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ऐसी व्यवस्था देखी है? अगला है, यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे और बस स्टेशन पर पीने हेतु नल या पानी की टंकी लगी होती है। ऐसी सुविधा अस्पताल में मरीजों के लिए होती है। पेट्रोल पंप पर भी पीने हेतु पानी की व्यवस्था रहती है। कह रहा है कि अपने से बड़ों से बातचीत करें। पहले मुसाफिरों, जो आने जाने वाले लोग होते हैं, के लिए पानी की व्यवस्था किस तरीके से की जाती थी? आजकल यात्रा के दौरान लोग पीने के लिए पानी की व्यवस्था किस प्रकार करते हैं? ये दो प्रश्न हैं जो आपने बड़ों से पूछकर आपको उत्तर जानना है। फिर कह रहा है लिखिए। क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों की सूची बनाएं जिसमें आप पानी पीने का उपयोग करते हैं। वो जो पानी पीने के लिए जो जो चीज़ प्रयोग करते हैं उसका यहाँ पर नाम लिख देना है। पेड़ पौधों तथा फसलों को भी वृद्धि और विकास के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं। सिंचाई के स्रोत एवं साधन, अगला टॉपिक है सिंचाई के स्रोत एवं साधन। खेती के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। वर्षा की मात्रा कम होने पर फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता, जिससे वे सूख जाते हैं। अन्न का उत्पादन कम हो जाता है, अतः फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए उचित समय पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई के लिए किसान तालाब, कुर्सी, कुआं, नदी आदि से जल प्राप्त करते हैं। कुआं तालाब सिंचाई के परंपरागत स्रोत हैं। आजकल अधिक मात्रा में पानी प्राप्त करने के लिए नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। नहरें बनाकर सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही है। भूमिगत जल को निकालने के लिए बिजली चालित पंपों का प्रयोग किया जाता है। अपने आसपास के खेतों में जाकर पता करें कि सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उनकी सूची बनाएं। आगे कह रहा है, बड़ों से पता करें किन फसल को पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, वह फसल कैसे उगाई जाती है। ये दो चीज़ें आपको पता करनी है। सिंचाई में पानी की मात्रा फसलों के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान। कुछ फसलों में पानी की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। जबकि कुछ फसलों को पानी के साथ साथ तेज धूप की आवश्यकता होती है, जैसे ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि। अपने घरों घर के बड़ों के साथ किसी खेत का भ्रमण करें। वहां कार्य कर रहे किसानों से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करें। आपके खेत में कौन सी फसल की पैदावार की गई है? फसलों की सिंचाई के लिए जल कहां से प्राप्त करते हैं? कम सिंचाई वाली फसलें एवं ज़्यादा सिंचाई वाली फसलें कौन कौन सी हैं? ये चीज़ को आप अपने बड़ों से घर के बारे में चर्चा कर सकते हैं। कम सिंचाई वाली फसलों का एक लिस्ट बना लीजिएगा और ज़्यादा सिंचाई वाली फसलों का एक अलग लिस्ट। सिंचाई के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं?
और सिंचाई के लिए कौन से साधन प्रयोग करते हैं उसका नाम लिख लीजिएगा। भूमिगत जल का पुनर्भरण, जल ही जीवन है इस बारे में सब बात करते हैं, लेकिन जल कहाँ से आता है और इसे कैसे एकत्र करके रखना है इसके बारे में भी हम सबको सोचना आवश्यक है। पहले लोग पानी के लिए नदियों और झीलों के अलावा तालाबों और कुओं पर निर्भर रहते थे, परंतु आजकल लोग बिजली चलित मशीनों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं और पारंपरिक तरीकों से दूर होते जा रहे हैं। हैंडपम्प, ट्यूबवेल, बोरवेल के द्वारा भूमिगत जल को लगातार निकाला जा रहा है। इसका परिणाम यह होता जा रहा है कि लोग ज़मीन से पानी तो निकालते जाते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर पानी के स्तर को बनाए रखने का उपाय नहीं करते। यदि भूमिगत जल को लगातार निकालते रहे तो आने वाले समय में सभी को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि बारिश प्रत्येक वर्ष होती है, परंतु पानी उतनी तेजी से भूमि के अंदर नहीं जा पाता और उसका बड़ा हिस्सा ऊपरी सतह से होकर निकल जाता है। इस कारण ज़मीन में पानी का स्तर पुनः उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता। लोग इसे नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण पानी की समस्या पैदा हो रही है। आज जल संरक्षण के कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसे पारंपरिक तौर तरीकों को भी अपनाना होगा, जिससे वर्षा का पानी एकत्र किया जा सके। पुराने तालाबों एवं कुओं को फिर से जीवित करना होगा। शहरी क्षेत्रों में पानी को अपने घर की छतों से बारिश का पानी जमा करने की व्यवस्था करनी होगी। अपने आसपास वर्षा के जल को जमीन के अंदर पहुंचाने का प्रयास करना होगा। इसके अतिरिक्त जल का सावधानी पूर्वक उपयोग करके हम स्वयं के स्तर पर भी जल का बचाव कर सकते हैं। जितने पानी की आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें। नल को इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दें। टपकते या रिश्ते पानी की मरम्मत तुरंत कराएं। ब्रश करते समय नल को खुला न छोड़ें। रसोई घर से बाल्टी या टब में बर्तन धोएं। पानी की बोतल में बचे हुए जल को फेंकने के बजाय उसे पौधों में डाल दें। तालाबों, नदियों एवं कुओं के जल को दूषित न करें, उसमें कचरा न फेंकें। इसे भी जाने सिंचाई के लिए ड्रिप, टपक या स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पानी का कम खर्च हो। कह रहा है कि सिंचाई के लिए नई टेक्निक है, ड्रिप या टपक विधि का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, जिससे पानी की बचत होती है। जल संरक्षण को लेकर सभी को जागरूक होना चाहिए। यह सब लोगों के एकजुट प्रयास से ही संभव है। चर्चा करिए। कह रहा है कि अभी इसको हमें चर्चा करना है, आपस में समझना है। सीमा के मोहल्ले में दो पुराने कुएं हैं जो अब सूख गए हैं। उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उसमें पानी था। क्या कुएं सूखने की निम्नलिखित वजह हो सकती है? कई जगह मशीन लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। हाँ, पेड़ों के आसपास और पार्क में जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है, सही भी हो सकता है। तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे, सही है। क्या आप कोई और भी कारण बता सकते हैं? यदि है तो लिखिएगा, बताइए। भूमिगत जल की कमी के कारण और भी हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की भूजल की बढ़ती मांग से, सिंचाई एवं औद्योगिक कार्यों के लिए मशीनों का प्रयोग करने से, तालाबों, पोखरों जैसे जल के प्राचीन साधनों का रखरखाव न रहने होने से, घरेलू कार्यों के लिए पंप से जमीन के अंदर से अधिक पानी निकालने से, वर्षा के जल को एकत्र न करने से, ये सब कारण हैं जो भूमिगत जल के खत्म होने के मुख्य कारण में आएंगे। प्राचीन काल से ही जल की महत्ता, उसकी सफाई, उसके स्रोतों, कुएं, तालाब, नहर, बावड़ी आदि इत्यादि का निर्माण जनता की भलाई का कार्य समझा जाता था। भारतीय शासक जल के महत्व और संरक्षण के प्रति जागरूक थे। मौर्य काल में लोग जल के महत्व से भलीभांति परिचित थे और जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक ने जगह जगह पर कुएँ खुदवाए, प्याऊ बनवाए। गुप्त शासकों के द्वारा भी जल के संरक्षण का कार्य किया गया। सम्राट स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य करवाकर लोगों के जल संकट को दूर किया।
सल्तनत काल में फिरोजा शाह तुगलक द्वारा कुएं एवं जलाशय के साथ कई बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया गया। ये रहा हमारे पुराने ज़माने में राजाओं ने क्या किया उसके बारे में। आगे हम देखेंगे भूमिगत जल के पुनर्भरण की विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ हैं जिसे हम उसको सही कर सकते हैं। जल की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है जल का संचयन एवं पुनर्भरण किया जाए। यदि हम वर्षा के जल को एकत्र करके भूमिगत जल के रूप में पुनर्भरण करते हैं तो हमें जल की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्षा के जल को भूमिगत जल में संचयन पुनर्भरण की अनेक विधियां हैं। तालाब में वर्षा का जल एकत्र करना, हाँ सही है। छत से प्राप्त वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से टंकी में एकत्र करना। देखिए छत है, छत के ऊपर हम पानी की टंकी का ऐसे घेरा बना दें, पानी इसमें इकट्ठा हो, फिर पाइप के माध्यम से नीचे जमीन में चला जाए, ये भी एक विधि हो सकती है। पुनर्भरण गड्ढों के द्वारा जल संचयन करना, नलकूप द्वारा छत से वर्षा के जल को एकत्र करना, पुनर्भरण गड्ढों के द्वारा जल संचयन करना, नलकूप द्वारा छत से वर्षा के जल को एकत्र करना, इतनी विधियां हम अगर प्रयोग करें तो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसका प्रश्न उत्तर। प्याऊ किसे कहते हैं, जान ही रहे हैं, जो रोड के किनारे लोग बनाते हैं, जन लोगों के आने जाने वाले लोगों के लिए पानी पीने की व्यवस्था किया जाता है। खेतों की सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भाई खेती के लिए कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको पानी आवश्यक ही है, कुछ को कम है, कुछ को ज़्यादा है। सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है, इस समय तो नलकूप हैं, हैंडपम्प हैं, नहरें हैं, बहुत सी साधनें हैं जो प्रयोग की जा रही हैं। भूमिगत जल की कमी के कारण लिखिए, अभी मैं आपको बताया हूँ वो लिस्ट लिख लीजिएगा। भूमिगत जल के पुनर्भरण की विधियाँ कौन सी हैं, पुनर्भरण की भी विधियाँ दिया हुआ है, अभी मैं आप लोगों को दिखलाया हूँ, उसको भी लिख लीजिएगा। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।